हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक अलग ही तरह की रेसिपी लेकर के आए हैं। उसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम कुल्फी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और एकदम मार्केट के तरह आपको बन के मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे दो ब्रेड स्लाइस लिए हैं। हमने हाफ लीटर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये दूध जब तक बॉयल होगा, इधर हम ये दो पीस हाफ केजी में दो ब्रेड काफी है फ्रेंड्स, और इसके सारे एजेस को हमने निकाल लिया है। तो इसको हम इससे अच्छा सा एक पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना है। तो इसको हम रेडी कर लेते हैं। तब तक ये ब्रेड देखिए काफी अच्छा सा पीस करके रेडी हो गया है। इधर दूध भी हमारा बॉइल हो गया है। हमने यहाँ पे फुल फैट क्रीम वाली दूध ली है। इसे इस तरह से हमें मिक्स करना है। इसी स्टेज पे ये जो मिल्क पाउडर, हमने एक बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, उसे मिक्स करना है। और साथ में ये हमने तीन बड़े चम्मच चीनी, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा आप चीनी कर सकते हैं। इन सबको हमें अच्छा सा एक बॉयल आने तक का वेट करना है, इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए। ये दूध काफी अच्छा सा बॉयल होकर के रेडी हो गया है। अब हम इसमें ये जो ब्रेड्स का पाउडर बना के लिया है उसे डालूंगी और इसे भी कंटिन्यू चला के हमें एक मिनट इसे पका लेना है। अभी ही हम इसमें ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता, बादाम, इन सबको मिक्स करना है और अच्छा सा बॉयल आने देना है। कम से कम दो से तीन मिनट तक इसे आप बॉयल आने दीजिए। इधर हमने केसर के कुछ धागों को इसमें भिगो के रखी थी दूध, गरम दूध में, तो इसे भी हम डाल देते हैं। तो बहुत ही अच्छा कुल्फी बनेगा फ्रेंड्स। जब आप एक बार बना लेंगे तो बार बार आप घर में जरूर ट्राई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनने वाला है। तो इस तरह से ये बॉयल आ गया। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इसे ठंडा होने के लिए कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देते हैं। ये इस तरह से ठंडा होने के बाद देखिए इतना गाढ़ा हो गया, बहुत अच्छा सा आ गया है, रेडी हो गया है एकदम ये। अब हम क्या करते हैं, इसे हम इस तरह के मटके में फिल कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। तो इस तरह से हम सारे को फिल कर लेंगे। इससे इस फिल करने के बाद एक सिल्वर फॉइल का टुकड़ा लेंगे और इस तरह से इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे जिससे कि जब हम फ्रीजर में डालेंगे तो अच्छा सा ये जम करके रेडी होगा। दूसरा अगर इस तरह से नहीं है तो आप इस तरह का ढक्कन वाला कोई भी अच्छा सा एक, इसे भी हम इस तरह से फिल कर लेंगे। इस तरह से हमने सारा फिल कर लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में ओवरनाइट रख दूंगी अच्छे से ये, ताकि पूरे रात में अच्छे से जम करके ये रेडी हो जाए। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। ये पूरी रात रखने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा जम करके रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड, इसे जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनी है ये। और इसमें भी हमने जो रखा था वो भी अच्छे से पूरा जम करके रेडी हो गया है। आपको कट करके दिखाऊंगी।
बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी आइसक्रीम बनी है ये कुल्फी, देखिए है ना टेस्टी और अच्छी भी। तो इसे ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। थोड़ा सा इसे हम पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे बना करके आप आराम से फ्रीजर में रखिए, जब मूड करे आप निकालिए और इसे सर्व कीजिए। देखिए कितना अच्छा सा बन करके रेडी हो गया ये हमारा कुल्फी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।